अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पेज नंबर आपके पास 207। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, पहले आप क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, द सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इज गिवन। The following table give the number of persons employed and cloth manufactured in a textile mill. आपके पास बच्चों दो कॉलम गिवन है, person employed का और cloth manufactured का। Calculate the coefficient of correlation by using the above formula. हमने find करना है coefficient of correlation, ठीक है, और बच्चों फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो चलिए यार बच्चों इसको आज हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने कॉलम ड्रॉ करने हैं 5। सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, एक्स का कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 137, 206, 200, 216। इसी तरह जो y का कॉलम भी ड्रॉ किया गया है जिसकी वैल्यूज हैं 23, 47, 22, 40, 39, 51 and 49। ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉलम्स ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद हैं। एक्स्ट्रा कॉलम हमने ड्रॉ करने हैं वो है एक्स वाई का प्रोडक्ट का, एक्स के स्केल का और वाई के स्केल का। क्लियर है बच्चों? अब प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए 3151, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखना है 9823, 2486, 7560, 6864, 10200, 10731। इसी तरह बच्चों जब हम एक्स स्क्वायर का और वाई स्क्वायर का ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कुछ इस तरह आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यूज। जब हम एक्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास समीशन एक्स आएगा 1243। इसी तरह बच्चों जब हम वाई को ऐड करेंगे तो समीशन वाई हमारे पास आएगा 271। इसी तरह जब एक्स वाई के प्रोडक्ट को सम करेंगे तो आएगा 50815। इसी तरह जब एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे वैल्यूज को तो हमारे पास सम आएगा 229877। इसी तरह जब हम वाई स्क्वायर का सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 11345। अब बच्चों क्वेश्चन में ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है तो हम क्या करेंगे, हम उस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो चले आए हम बच्चों करते हैं, इसके लिए मैं यहां से हमारे पास आर इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट में दी वैल्यूज आएंगी एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल
ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं और आर की और आर का आर से निकालते हैं। जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चों आएगा आर इज इक्वल टू 7 × 50815 −1243 मल्टीप्लाई बाय 271 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 × 229877 −1243 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसके साथ डेफिनेट डिजीट आएगा 7 × 11345 −271 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम सिंपल कैलकुलेशन फॉर्म करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 0.963। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए। सबसे पहले मैं इसको रीड करने लगी हूँ। फॉर अ सेट ऑफ 22 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वी हैव समीशन एक्स समीशन वाई, समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन वाई का स्क्वायर, समीशन एक्स वाई। फाइंड द प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द डेटा। हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ और फॉर्मूले के साथ जो वैल्यूज गिवन है उसको इंसर्ट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक है हम 3 के पार्ट नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो है समीशन x इज इक्वल टू 983, समीशन y इज इक्वल टू 409। बच्चों ये बुक में वैल्यूज गिवन है। ठीक है, समीशन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 61, इसी तरह समीशन y का स्क्वायर इक्वल है 8475। इसके बाद जो समीशन x y गिवन है 15811 के। फॉर्मूला मुझे क्या है, r इज इक्वल टू n समीशन x y माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय। बच्चों को ऑलरेडी फॉर्म नंबर 2 के दोबारा से कर रहे हैं, स्क्वायर रूट n इंटू समीशन x का स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर हमारे पास आएगा ब्रैकेट में उसको नोट करके लीजिए, ये साथ में आएगा बच्चों की वैल्यू जो कर लिखी। ठीक है, मैं एरो हेड ड्रॉ कर देती हूँ। फिर ब्रैकेट में आएगा n समीशन y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर बच्चों, तो ये हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला इंसर्ट किया, अब हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है ये। आर इज इक्वल टू 22 × 15811 ब्रैकेट क्लोज 983 × 409 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 22 × 61339 −983 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैंने लिखा है 22 × 8475 का होल स्क्वायर −409 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। जब मुझे इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है −0.6325। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर ए का। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी को।
20 pairs of observation, we have x bar is equal to 2. Summation x ka square is equal to 180. Summation y ka square is equal to 3424. Summation xy is equal to 604. Calculate the coefficient of correlation. तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कुछ ये आएगा, फॉर्मूला यूज होगा आर इज इक्वल टू समीशन एक्स बार माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस एन वाई बार का होल ठीक है बच्चों। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह का आएगा, यह 604 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 180 माइनस 20 इंटू 2 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 3424 माइनस 20 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यूज आएंगे बच्चों, जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सॉल्व करेंगे तो आर हमारे पास इक्वल आएगा 0.6133। तो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर बी का। अब बात करते हैं पार्ट नंबर सी की। For a set of 8 pairs of observation, we have summation x is equal to 448, summation y is equal to 472, summation y square is equal to 29958, summation xy is equal to 26762, and s of x is equal to 16.6. Compute the product moment correlation coefficient. तो सबसे पहले बच्चों हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला है हमारे पास इसका, आर इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस ऑफ एक्स एस ऑफ वाई, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला है इसका। अब यहां पे हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है एस ऑफ एक्स वाई फाइंड करने की। तो चलिए बच्चों हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। हमें यहां ये क्वेश्चन भी गिवन है और ये हमें फाइंड करना है, ये ओके। तो सबसे पहले इसको फाइंड करते हैं, एस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला है हमारे पास वन ओवर एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। जब बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 26762 माइनस 448 मल्टीप्लाई बाय ये एक है बच्चों 472 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 41.25। अब हम फाइंड करते हैं एस ऑफ वाई, इसके लिए फॉर्मूला नोट करें। इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास स्क्वायर रूट समीशन एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर। वैल्यूज को करते हैं बच्चों, आएगा 29958 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 472 डिवाइडेड बाय 8 का होल स्क्वायर। जब बच्चों आंसर को निकालेंगे तो आएगा 16.24। अब ये वैल्यूज आएंगे इसको यहां पर करते हैं, ठीक है। ये वैल्यू इसकी बुक में गिवन है, ठीक है। यह आएगा 41.25 डिवाइडेड बाय 16.6 इंटू 16.24। बच्चे सॉल्व करेंगे आएगा 0.15। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर सी एंड हुआ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।